हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त और मेरा नाम है अनु। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे सोया चंक्स और आलू की टेस्टी रेसिपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है, तो कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आपने आज का वीडियो स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने आलू लिए हैं। आलू को हमने छील के अच्छे से काट लिया है छोटे आकार में और इनको वॉश कर लिया है। सोया चंक्स हमने लिए हैं आधा कटोरी। सोया चंक्स को मैंने पानी में भिगोया नहीं है, इनको मैं फ्राई करके बनाऊंगी। आप चाहें तो कुछ टाइम के लिए भिगो के रख सकते हैं। आप इनको फ्राई करके भी ऐसे ही भी खा सकते हैं। जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तक इनको फ्राई करना होता है। सोया चंक्स हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई किया है। अब अपने ऑयल में मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो अब चलते हैं मसाला डालने के प्रोसेस में। तो मसाले में मैंने प्याज, अदरक और टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। इसको मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, बिना इन चीज़ों से। आलू को मैंने डाल दिया है मसाले में। अब ये मेरे सोया चंक्स हैं जिनको मैं डाल देती हूँ और अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। धीमी आग पे इनको 5 से 10 मिनट में पकने दूंगी। उसके बाद उसे पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आपके घर में कितने मेंबर हैं आप उसी के अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा मेंबर हैं तो मैं पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। अब इसको हम ढक के पकाएंगे 10 से 20 मिनट तक। बीच बीच में हम अपनी सब्ज़ी को चेक भी करते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बात करूंगी सोया चंक्स यानी कि सोयाबीन के बेनिफिट के बारे में, तो आइए जानते हैं। सोया चंक्स में पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन बी, पोटेशियम, सोडियम और प्रोटीन। तो अब देखते हैं कि सोयाबीन किन के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। जो लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं, जिनको मानसिक रोग होता है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। ये दिल को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उनको सोयाबीन का डेली यूज़ करना चाहिए। तो ये तो हो गए सोयाबीन के फ़ायदे। अब अपनी सब्जी की ओर भी देखते हैं। अब अपनी सब्जी को भी देख लेते हैं जिसको हम ढक कर बना रहे हैं। अब अपनी सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। इस रेसिपी को आप चावल के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, ये सबके साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में किसी और नई सिंपल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। बाय बाय।